साई लिख दी तेरे नाम अरसी, मुझको सुख दुख दे जो तेरी मर्जी। साई लिख दी तेरे नाम अरसी, मुझको सुख दुख दे जो तेरी मर्जी। सर बाबा ने कहा है श्रद्धा और सबूरी, अभी आपने उनके बारे में बताया था, और बाबा के 11 वचन। सर इन दोनों में अंतर क्या है, और ये मेरी आस्था में ये कैसा रोल निभाते हैं, क्या ये मेरी आस्था को और मजबूत करते हैं? देखिए श्रद्धा यानी साई में अटूट अखंड विश्वास, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे मन का, मुझे मिले या ना मिले वो मुझे स्वीकार्य है, ये श्रद्धा है। श्रद्धा ये है कि मुझे साई से मांगना ना पड़े, मुझे ये विश्वास रहे कि जो मुझे देंगे साई मेरी जरूरत के अनुसार मुझे देंगे और वो मेरे लिए अच्छा होगा, ये श्रद्धा है। और मेरी चाही हुई चीज मुझ तक कब आती है उसके लिए मैं अधीरा तो नहीं हो जाता, मैं साई बाबा की भक्ति छोड़ करके किसी और भगवान की भक्ति में तो लीन नहीं हो जाता, ये सबूरी है। मुझे धैर्य पूर्वक किसी भी चीज के होने की राह देखनी है। एक रहीम का बड़ा अच्छा दोहा है, ऋतु आवे तब फल होता है, उसमें एक माली अगर 100 घड़ा भी पानी डाल देता है तो जिसका जो सीजन होता है उसी में उसका फूल आता है, उसी में उसका फल आता है। टेसू का फूल जो है वो फागुन में ही आता है, उसके अलावा नहीं आएगा कभी। जैसे ये अपने आप में अपने को जब हम धैर्य रखते ये हमको सुदृढ़ करता है, हमको शक्ति देता है, हमको वीर बनाता है। बाबा के अनुसार, बाबा के कहे हुए शब्दों में श्रद्धा और सबूरी दो बहनें हैं, एक दूसरे की पूरक है। श्रद्धा सबूरी को बल देती है, सबूरी श्रद्धा को बल देती है। मुझे साई से मांगना पड़े, मुझे उसकी जिद करनी पड़े तो वो श्रद्धा नहीं। जिस दिन मैं ये सच्चे मन से साई के शरण में जाके ये कह दूंगा कि बाबा मेरे बारे में तुझे सब पता है, मेरा सर नीचा होगा तो तेरा सर नीचा होगा, इसलिए तू अपने हिसाब से मेरे जीवन को हकारना शुरू कर, और फिर वो जिस रास्ते से गड्ढों से चाबुक मारते हुए भी हमको ले जाए, हमारी श्रद्धा साई में कम नहीं होनी चाहिए। वो रास्ता गड्ढों वाला कांटों वाला कब खत्म होगा, धैर्य पूर्वक मैं उस पथ पर चलता जाऊं, वो सबूरी है। तो श्रद्धा और सबूरी जीवन में अगर है तो जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी आपको कभी थका नहीं सकती, आप कभी थक नहीं सकते, कभी आप हार नहीं सकते। आपको धैर्य रखना है, आपको बाबा में अटूट अखंड श्रद्धा रखनी, और साईं आपको कभी नीचा नहीं गिरने देंगे। बिल्कुल जी, तो ये श्रद्धा और सबूरी जीवन में बहुत बहुत जरूरी है, और इन्हीं श्रद्धा और सबूरी को बल देते हैं बाबा के ये सच्चरित्र और उनमें से संकलित ये 11 वचन। सर तो 11 वचन और बाबा के ये 2 मंत्र हैं, सर इससे हम बाबा के प्रति अपना विश्वास तो व्यक्त कर लेते हैं और हमारा विश्वास बढ़ता भी है, पर फिर क्या सर हमें कर्म नहीं करना चाहिए? फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं बाबा है तो सब हो जाए। कर्म तो करना चाहिए, कर्म करे बिना काम कैसे चलेगा? आपको मानव जीवन मिला है तो इसका अर्थ है कि आपको कर्म तो करना ही है। कर्म के डेरिवेटिव में उसमें से जो मिलेगा उसकी चिंता मत करो, वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से साईं आपको दे ही देंगे, और प्रारब्ध में नहीं होगा तो भी साईं आपको देंगे, लेकिन कर्म से कभी पीछे किसी को नहीं हटना चाहिए। कर्म नहीं करोगे तो रोटी की व्यवस्था साईं करा देंगे, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति, ये सच्चरित्र के वाक्य है कि आध्यात्मिक उन्नति पे किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति सदगुरु देता है और उसके लिए हमें कर्म करते रहना पड़ेगा। श्रद्धा रखना और सबूरी रखना ये भी दोनों अपने आप में कर्म है, एक्टिव कर्म नहीं है, पैसिव कर्म है, लेकिन ये कर्म है, इनको रखना चाहिए। आप अपने कर्म से कभी विमुख मत होइए, आपको बाबा फल देंगे ये विश्वास आपके मन में होना चाहिए, यही तो श्रद्धा है और क्या। मतलब कि हम जैसा जीवन जीते हैं
उसे जीते जाए। जैसे हमने कुछ देर पहले बात करी कि मुझमें लीन वचन मन काय, आपका हर कर्म आपके वचन आपके संकल्प का ही तो बाय प्रोडक्ट है। जब आप उस सारे संकल्प को सारे कर्म को साई में ले जाओगे, मम्मी घर में खाना बनाती है वो उनका कर्म है, अगर उस कर्म को वो ये मान के चले कि मैं अपने साई के लिए भोजन बना रही हूं तो वो उस भोजन का स्वाद कुछ और आएगा। आप ऑफिस में काम करते हैं, आप कॉपी राइटिंग का काम करते हैं, जब आप कॉपी राइटिंग करते हैं तो आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि जो मेरा क्लाइंट है वो साई है, तो मैं साई के लिए कॉपी राइटिंग कर रहा हूं, तो मैं जब कॉपी राइटिंग में साई के लिए करूंगा तो साई मेरे हाथ से वो विलक्षण चीज करवाएंगे जो मैंने जीवन में आज तक नहीं की, और मैं स्वयं अचंभित हो जाऊंगा कि मैंने ये कैसे कर लिया। तो कर्म संकल्प से उद्धत होते हैं, और संकल्प वचन जब आप साई में समाहित कर देते हो, जब आप उनमें लीन कर देते हो, तो आपका जीवन पूरा साईमय हो जाता है। ये बाबा का वैशिष्ट्य है। सर तो क्या हर कर्म का पर्पस जो है वो बाबा को बना ले? बिल्कुल बनाइए, ध्येय हर कर्म का ध्येय बाबा को बना लीजिए। आपको अल्टीमेटली साई को पाना है हर कर्म के माध्यम से। जब आप ये करने लगेंगे तो आपको बाबा सब जगह चहुओर दिखने लगेंगे। आप जो नॉर्मल काम करते हैं करिए, आप खेती करते हैं ये मान के चलिए जो आप अनाज उगा रहे हैं वो साई के पेट में जाना है, वो साई को अर्पित किया जाना है। आप देखिए कैसे काम होता है। जब आप ये करने लगेंगे तो आपका कर्म उत्कृष्ट होता जाएगा, एक्सीलेंस उसके अंदर आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी।